अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता है तो सब अच्छा ही होगा और वो नाम रोशन करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं। दरअसल आपका बच्चा गलत संगत में पढ़कर बमबाज और आगे चलकर माफिया भी बन सकता है। प्रयागराज शहर में नामी स्कूल के बाहर कई बार बमबाजी हुई। पहले महर्षि पतंजलि स्कूल के गेट पर बम फेंका गया, फिर वाज हाई स्कूल के गेट पर, उसके बाद बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर, नामी स्कूलों के बाहर बमबाजी करके पुलिस को खुली चुनौती दी गई। पुलिस ने भी इन घटनाओं को चैलेंज के रूप में लिया और आज 3 थानों की टीम और एसओजी ने मिलकर बड़ा खुलासा कर दिया। कुल 11 लोगों को अप्रिहेंड किया गया, जिसमें 1 वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है तथा जो बालिग हैं उनका कोर्ट से रिमांड बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की तो पता चला कि बिशप जॉनसन स्कूल के कुछ छात्रों ने इंस्टाग्राम पर जगुआर नाम से ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में विरोधी गुट के स्टूडेंट को पीट कर इसका वीडियो ग्रुप में पोस्ट किया जाता रहा है। इसी जगुआर ग्रुप के बदले वाज हाई स्कूल के छात्रों ने तांडव नाम से इंस्टा पर ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप में शहर के अलग अलग इलाकों के लड़के जुड़े हैं जो मारपीट और बमबाजी का वीडियो बनाकर पोस्ट करते थे। इन छात्रों के द्वारा विभिन्न ग्रुप में जिसमें ये इन्वॉल्व हैं, जिसमें कई सारे ग्रुप के नाम आए हैं, जिसमें तांडव ग्रुप, इमोटल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं जिसमें ये स्कूली छात्र शामिल हैं। एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति राइवलरी, अपना वर्चस्व जताना, एक ग्रुप के छात्रों को दबाना, इस तरह के एक तरह से एक पशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना, इन उद्देश्यों को रखते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई सारी इन्होंने घटनाएं की और सोशल मीडिया का जो है गलत इस्तेमाल करके इन घटनाओं को ग्लैमराइज करने का भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी में एक छात्र की पहचान कर ली, बेली कॉलोनी निवासी। जब इस छात्र से पूछताछ की गई तो स्कूलों के बाहर बमबाजी की सारी वारदातों का खुलासा हो गया। ग्रुप बाजी करने वाले सभी छात्र धोबी घाट पर इकट्ठा होते थे और वहीं से सब कुछ प्लान करते थे। एक तरह से ये दोनों स्कूलों में अलग अलग गैंग चला रहे थे। पुलिस ने तांडव और जगुआर ग्रुप में जुड़े कुल 35 छात्रों को गिरफ्तार किया, जिसमें सभी 34 छात्र नाबालिग हैं। सभी नाबालिग छात्रों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया। ये छात्र अभी से किसी माफिया की तरह गैंग चला रहे थे, आगे क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है। हम इनके पेरेंट्स से, स्कूल प्रशासन से पुनः अपील करते हैं कि इनकी अपने अपने छात्रों की, अपने बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, उनको अपराध की दुनिया में कदम रखने से रोकें, विशेष करके उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नजर रखें, जिससे कि हम ऐसे छात्रों को जो देश का भविष्य बन सकते हैं उनको अपराध के क्षेत्र में लाने से रोक सकें।